हिमाचल में पुलिस भर्ती में भाग ले रहे सभी युवाओं के लिए इस बार डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। नशा करने वाले युवाओं पर इससे लगाम लगेगी और भर्ती से बाहर होंगे। रघुनाथ की नगरी में पहली बार पधार रहे हैं देव कमरुनाग। 14 वर्ष के बाद भक्त को मिली बड़ादेव की मेहमानबाजी करने की स्वीकृति। सुन्नी पुलिस थाना के तहत स्पेशल सेल की टीम ने एक बोलेरो कैपर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने वाहन को जब्त करके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 से 27 सितंबर तक मंडी में कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। चंबा पक्काटाला मोहल्ला को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाने के साथ सीमेंट स्प्रे करने का काम शुरू किया। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह प्रदेश के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर 76 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने का आरोप लगाया। जिला कांगड़ा के खुंडिया के गांव अम्बरा से एक नाबालिग लड़का मोनू कुमार 19 सितंबर से लापता है। वहीं मोनू कुमार के पिता ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में 32 नंबर के आसान और 20 नंबर के कठिन प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा। इसके अलावा सामान्य स्तर के 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिमला संजौली कॉलेज में SFI और पुलिस में धक्का कुकी, माहौल तनावपूर्ण बना। जिला कांगड़ा के बगली में देर रात एक ट्रक में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक में हार्डवेयर का सामान लदा हुआ था। लपटें इतनी प्रबल थी कि ट्रक पूरी तरह राख हो गया। स्थानीय लोगों और धर्मशाला कांगड़ा से आई अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक जालंधर से हार्डवेयर का सामान लेकर आया था। सुंदरनगर के करसोग मार्ग पर जयदेवी के पास जट्टारा नाल नामक स्थान पर एक टैक्सी कार में आग लगी, पूरी कर जलकर राख हुई। जिला हमीरपुर के गांव भनोट में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। वहीं बीते दिन बंदरों के एक झुंड ने एक बुजुर्ग महिला को जख्मी किया। सोलन शामती बाईपास पर आंजी से गत्ता लेकर रोहड़ू जा रहा ट्रक पहाड़ी से टकराया। हिमाचल प्रदेश के ऊना उपमंडल, महतपुर, संतोषगढ़ और हरोली के एंट्री पॉइंटों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के बाद मिनी सचिवालय के आसपास का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। सुबह 8 बजे से यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जो कि दोपहर 2 बजे तक डटा रहा। गोपालपुर चिड़ियाघर अब नए लुक में नजर आएगा। प्रशासन इसको लेकर कार्य शुरू करेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने हटोर सड़क पर पड़े गड्ढे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1 लाख देने का सुझाव दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजीव शकधर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजभवन शिमला में शपथ लेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल्यांकन को चुनौती देकर 10वीं कक्षा के 3 मेधावियों ने जहां मेरिट लिस्ट में अपने रैंक में सुधार किया है, नई संशोधित मेरिट लिस्ट में 38 ऐसे मेधावी भी शामिल हुए हैं जो कि पहले बोर्ड की ओर से तैयार कर की गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल नहीं कर पाए थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ढली मंडी में मटर का नया सीजन शुरू होते ही किसानों को रिकॉर्ड रेट मिले हैं। करसोग और कोटखाई से मटर की खेप मंडी पहुंची। अच्छे दाम मिलने से किसान खुश हैं। पहले ही दिन सब्जी उत्पादकों को उनकी फसल के रिकॉर्ड दाम मिले। इस दौरान किसानों को 100 से 200 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले। देश भर में वैक्सीन और सीरम के जन्मदाता केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में देश की पहली सरकारी स्तर की गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लैब जल्द स्थापित की जाएगी। जिला कुल्लू के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में आत्महत्या रोकथाम विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता ही सेवा की शपथ लेते हुए चंबा के स्कूली बच्चों ने ऐतिहासिक चौगान मैदान में भारत का नक्शा बनाया। इस मौके पर उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। जिला ऊना के संतोषगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, कैमरे में दर्दनाक हादसा कैद हुआ, परिजनों ने चक्का जाम किया। करीब 5,500 फीट की ऊंचाई पर मुरारी धार में स्थित माता मुरारी देवी मंदिर को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोशिशें अब तक अधूरी हैं। राजनीतिक दलों के दावों के बावजूद पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। धर्मशाला के नड्डी स्थित ऐतिहासिक डल झील में रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। झील में एक बार फिर से रिसाव की समस्या से झील सूखने लग पड़ी है। इससे झील की मछलियाँ पर भी खतरा मंडराने शुरू हो गया है। शिमला बिलासपुर NH 205 1 लेन ट्रैफिक के लिए खुला, कराड़ाघाट के पहाड़ी दरकने से बंद हुआ था।